जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सा न्यूज। अभी हम पटना में हैं और हमारे पीछे एक इंस्टॉल देख सकते हैं आत्मनिर्भर चाय वाली, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियों में है। पूरे भारत में देखा जाए तो बच्चे एवं बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वह कहीं रोजगार करे, किसी कंपनी में काम करे, जॉब करे, लेकिन एक यूनिकनेस जब आ जाता है कि जब बच्चे बच्ची अपने पैर पे खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी इंस्टॉल करा करते हैं। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं आत्मनिर्भर चाय वाली, हालाँकि अभी हम सवेरे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ का जो टी इंस्टॉल चलाती है वो 5 बजे आती है बताया जा रहा है, लेकिन हम अब सुबह 9 बजे पहुँचे हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी जो इंस्टॉल है किस तरह से चलाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक यूनिकनेस देखने को मिला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है। इतनी अच्छी लाइन और आत्मनिर्भर चाय वाली, आप सोच सकते हैं कितने काबिले तारीफ है। हम चाय की वैरायटी बताना आपको चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह की कौन कौन चाय बनाया जाता है। इस पे है कुल्लर चाय, पान चाय, मसाला चाय, चॉकलेट चाय, रोज चाय, ग्रीन टी, तंदूरी चाय, अदरक इलायची चाय। और इस चाय से कौन कौन चाय में कौन कौन टेस्ट आते हैं, यहाँ पे आत्मनिर्भर चाय वाली रहती तो उनसे हम पूछते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन इनका इंस्टॉल देखिए, यही इंस्टॉल है, यहाँ पे खुद का अपना इंस्टॉल, अपने पैर पे खड़े होकर पटना के अंदर आत्मनिर्भर चाय वाली के इंस्टॉल के नाम से वह चाय बेचती हैं। और यहाँ पे जब इनका जब ग्रेजुएट चाय वाली जब पटना के अंदर स्टार्ट हुआ, तो उनके बाद आत्मनिर्भर चाय वाली भी आ गया। और इनका कहना है कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। बताया जाता है हमारे खासकर बिहार में लड़कियों को पहले अपने पिता पे डिपेंडेंट होते हैं, और जब शादी हो जाती है तो अपने पति पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अब बिहार में ये हो रहा है कि लड़का हो या लड़की, लड़का से कहीं आगे चलकर लड़की अपने आप पे आत्मनिर्भर हो रही है और अपना इंस्टॉल, अपना बिजनेस खुद अपने पैर पे बढ़ा रही है। उसका एक उदाहरण आपके सामने है आत्मनिर्भर चाय वाली, जो आप देख सकते हैं। चारों तरफ से आप घुमाकर दिखा दीजिएगा साहब जी, कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा दिखाइए जो आत्मनिर्भर चाय वाली का इंस्टॉल है, कितने तरीके से, कितने सुंदर से इंस्टॉल बनाया गया। और यहाँ पे पटना में गांधी मैदान के पास इनका आत्मनिर्भर चाय वाली का इंस्टॉल चलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चाय बनाई जाती है, अलग अलग टेस्ट बनाया जाता है इनके द्वारा। और बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, जो मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है, इनका थॉट है। और इन्हीं थॉट के अनुसार इन्होंने पटना के अंदर अपने दम पे, अपने काबिलियत पे पटना में आत्मनिर्भर चाय वाली का इंस्टॉल चलाती है। नमस्कार, आप देख रहे थे सा न्यूज। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।